सो हेलो गाइज, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एपिसोड 12 ऑफ होरिमिया एनिमे सीरीज का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। को प्री ऑर्डर करना है, मियामुरा उसे बताता है कि उसकी शॉप में प्री ऑर्डर्स नहीं होते हैं, बट होरी के लिए वो एक्सेप्शन करने को तैयार है। सीन शिफ्ट होकर होरी के घर की तरफ चला जाता है, जहां पे शोटा बता रहा होता है कि वो भी अपने एक फ्रेंड नेम्ड यूना को क्रिसमस पार्टी में लाएगा। ये चीज सुन के होरी काउंट करने लगती है कि कितने लोग होंगे, एंड फिर उसे रियलाइज होता है कि क्या मियामुरा आएगा भी कि नहीं। फिर वो मियामुरा से ये बात पूछती है, तो मियामुरा बताता है कि नहीं, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि क्रिसमस के टाइम पे उसकी शॉप पे बहुत ही ज्यादा कस्टमर्स वगैरह आते हैं, जिसकी वजह से वो बिजी रहेगा एंटायर क्रिसमस। छोटा और उसके मियामुरा को मनाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना क्रिसमस नहीं मनाऊंगा, बट मियामुरा कहता है कि सॉरी बट मैं नहीं मना सकता तुम लोगों के साथ क्रिसमस, एंड इतना बोल के मियामुरा घर से चला जाता है। इसके बाद सीन सिटो के थोरू की तरफ चला जाता है, जहां पे वो सेंगोकू और शू को बता रहा होता है कि उसने और यूकी ने फ्रेंडशिप लाइन को तो क्रॉस कर लिया है अनडाउटेडली, बट उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि यूकी को डेट करना सही रहेगा या नहीं। आई मीन उसे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो जल्दबाजी तो नहीं कर रहा है, बट इस चीज को सुनकर सेंगोकू और शू शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों की नजरों में यूकी और थोरू ऑलरेडी डेट कर रहे हैं। थोरू बोलता है, मुझे मालूम था तुम लोग ऐसा ही रिएक्ट करोगे, बताओ तुम लोगों ने एक बार आके मुझसे पूछा नहीं और रूमर्स को बिलीव कर लिया। शू और सेंगोकू थोरू से पूछते हैं कि क्या तुम यूकी को पसंद नहीं करते हो, जिस पे थोरू रिप्लाई करता है कि नहीं मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। इसके बाद सेंगोकू बोलते हैं कि तो फिर ठीक है, अब तुम्हें यूकी के अलावा और किसी के भी ओपिनियन की जरूरत है ही नहीं, अगर यूकी तुम्हें पसंद करती है तो फिर ठीक है। और थोरू और शू सेंगोकू की इस स्पीच से बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि वाह मास्टर ऑफ रोमांस। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ चला जाता है, जहां पे यूकी आके थोरू से पूछती है कि क्या वो आज उसके घर आ सकती है, क्योंकि उसे वो गेम को फिनिश करना है जो कि उसने स्टार्ट किया था थोरू के घर पर, जिस पे पहले तो थोरू एम्बेरस होके यूकी को मना करता है बट फिर वो हां बोल देता है। सीन शिफ्ट होकर थोरू के घर की तरफ चला जाता है, जहां पे हमें मालूम पड़ता है कि थोरू एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसका घर बहुत ही बड़ा है। थोरू चुपके चुपके से यूकी को घर के अंदर लाता है और यूकी सोच रही होती है कि शायद थोरू के पेरेंट्स घर पे हैं और थोरू नहीं चाहता कि मैं उसके पेरेंट्स से मिलूं। रूम में आके थोरू रूम के दरवाजा बंद करता है और अपनी टाई उतारता है, जिसकी वजह से यूकी अनकंफर्टेबल हो जाती है और थोरू उसे कंफर्ट करते हुए उसे समझाते हुए दरवाजे को खोलता है और उसे बताता है कि मैं एक क्रीपर नहीं हूं। और यूकी जवाब देती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे अराउंड बहुत कंफर्टेबल रहती हूं। तभी एक लड़की वहां आने लगती है, थोरू रूम का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है बट वो लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो ऑलमोस्ट रूम के अंदर घुस चुकी होती है। वो लड़की थोरू से बोलती है कि थोरू तुम एक गेस्ट को घर पे लाया और तुमने मुझे बताया नहीं, और थोरू जवाब देता है कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है और हम बस वीडियो गेम्स खेलेंगे। यूकी बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ, जिस पे थोरू जवाब देता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम वहीं रुको। पर इतने में ही वो लड़की रूम के अंदर आ जाती है और यूकी से बातचीत करने लगती है, उससे पूछती है कि क्या उसे केक खाना है, जिस पे यूकी हाँ जवाब देती है एंड वो लड़की केक लेने के लिए चली जाती है। फिर थोरू यूकी को बताता है कि उस लड़की का नाम याशिरो है और वो उनके घर की बस फैमिली फ्रेंड टाइप की है और वो हमेशा मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ के मेरी मौज लेती रहती है। तभी याशिरो वापस रूम में आ जाती है और यूकी से पूछती है कि हमारे पास दो टाइप के केक है, तुम्हें क्या चाहिए, चीज केक या शॉर्ट केक, जिसपे यूकी जवाब देती है कि उसे चीज केक चाहिए। फिर याशिरो जब रूम लीव करके जा रही होती है तो वो थोरू को वार्निंग देती है कि अगर तुमने यूकी के साथ कुछ भी किया तो समझ लेना, जिसपे थोरू जवाब देता है कि मैं क्यों कुछ करूंगा जब मुझे मालूम है कि तुम दूसरे रूम में हो। याशिरो वहां से चली जाती है और यूकी सोचती है कि अगर याशिरो नहीं होती तो थोरू क्या करता मेरे साथ। थोरू पूछता है यूकी तुम सही हो, जिस पे यूकी जवाब देती है कि हाँ मैं सही हूँ, मुझे क्या होगा। और इसके बाद थोरू और यूकी गेम प्ले करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद याशिरो भी वहां आ जाती है और अपने साथ जो केक्स वो लाती है वो मियामुरा की शॉप से होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ जाता है, जहां पे रेमी सेंगोकू से पूछती है कि क्या वो रेमी के घर पे आएगा क्रिसमस में। सेंगोकू रेमी को जवाब देते हैं कि तुम मेरे घर पे क्रिसमस मना सकती हो, बट रेमी को अपने ही घर पे क्रिसमस मनाना है, जिसकी वजह से सेंगोकू रेमी को रिजेक्ट कर देते हैं। रेमी रोने लगती है, सब लोग सेंगोकू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, रेमी को कंफर्ट करने लगते हैं और थोरू मियामुरा से बोलता है कि मियामुरा सेंगोकू को हेडबट मारो। यूकी बोलती है कि अरे रुको रुको, हमें सेंगोकू के साइड की भी स्टोरी को सुन लेना चाहिए, जिसके बाद सेंगोकू एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एक्चुअल में रेमी अपने घर में बहुत ही सारे इंसेक्ट्स को रखती है, जिसकी वजह से सेंगोकू को रेमी के घर पे जाने से डर लगता है क्योंकि सेंगोकू इंसेक्ट्स को पसंद नहीं करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होरी अपनी मदर कियोको को अपने रिजल्ट दिखाती है, जिसमें उसे A+ A+ हर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में मिला हुआ होता है, उसकी मदर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं एंड बोलती हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट मिलेगा तब तुम्हारा हाई स्कूल पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। इसकी वजह से होड़ी सोच में चली जाती है कि मेरी हाई स्कूल खत्म होने के बाद, अप्रैल आने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी। सीन शिफ्ट हो गया यानागिन की तरफ चला जाता है, जहां पे वो आसमान में क्रिसमस ट्री को देख रहा होता है। तभी वहां पे युकी की बिग सिस्टर आती है एंड बोलती है कि लाइटों को ज्यादा देर तक देखने से तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। यानागिन युकी की बिग सिस्टर को हेलो करता है और वो यानागिन से पूछती है कि तुम्हें समझ में कैसे आया कि ये मैं हूँ। तो यानागिन जवाब देता है कि उसने रिसेंटली ही ग्लासेस से कॉन्टेक्ट्स पर स्विच किया है, मतलब कि अब वो आई कॉन्टेक्ट्स पहन। युकी की बिग सिस्टर कहती है कि हाँ मैं भी कॉन्टेक्ट्स पे स्विच करने की सोच रही थी, जिसपे यानागिन जवाब देता है कि ठीक है अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए उसे खरीद सकता हूँ। युकी की बिग सिस्टर पूछती है ऐसा क्यों, तो यानागिन जवाब देता है कि आज क्रिसमस है इसलिए, बट युकी की बिग सिस्टर मना कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होकर तानिहारा और उसके ब्रदर पे चला जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि तानिहारा को कोल्ड हो रखा है और वो टीवी देख रहा होता है आराम से। तभी उसके सामने उसका ब्रदर आ जाता है एंड वो दोनों फाइट करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, शिव और उसकी छोटी बहन के ऊपर जाता है, जहां पे उसकी छोटी बहन पढ़ाई कर रही होती है, पर शिव से बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए बुक्स को नीचे रख सकती हो और खाना खा सकती हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सेंगोकू और साकुरा पे चला जाता है, जहाँ पे साकुरा सेंगोकू को बोल रही होती है कि यार तुम रेमी के घर पे रेमी के साथ क्रिसमस मनाने जा रहे हो, ना कि उन इंसेक्ट्स के साथ, और क्या तुम रेमी के लिए कुछ इंसेक्ट्स को नहीं झेल सकते। और इन द एंड साकुरा अपने सेंगोकू को मनाने में काइंड ऑफ कामयाब हो ही जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके शिंडो और इचिका के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि एक्चुअल में इचिका शिंडो से थोड़ी सी बड़ी है और क्लास वाइज उसकी सीनियर है। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में यही बातें चल रही होती हैं, जहाँ पे इचिका शिंडो को बोल रही होती है कि अगर तुम चाहो तो मैं एक अपना साल रिपीट कर सकती हूँ और तुम्हारे साथ ग्रेजुएट कर सकती हूँ, या फिर अगर तुम चाहो तो एक साल मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ और जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे हम लोग फिर साथ में किसी कॉलेज वगैरह में जाएंगे। जिस पे शिंडो कहता है कि हाँ मेरा वेट करो। सीन शिफ्ट होके होरी के घर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे सब लोग सैड होते हैं क्योंकि आज मियां मूरा उनके साथ क्रिसमस अटेंड नहीं कर पा रहा है। होरी सबको समझाने की कोशिश करती है कि यार आज मियामुरा को उसकी शॉप पे ज्यादा काम है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहा है, मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए उसके वर्क को थोड़े इफेक्ट करवाऊंगी। तभी यूना होरी का फोन लेके होरी के पास आ जाती है, जिसपे मियामुरा का मैसेज आया हुआ होता है कि वो केक लेके आ गया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मियामुरा केक लेके आ गया है, सब लोग खुश हो जाते हैं कि वाह मियामुरा फाइनली आ गया। छोटा बोलता है कि आओ मियामुरा हमारे साथ कार्ड्स खेलो, कि उसके बोलते हैं कि मियामुरा तुम्हें ठंड लग रही होगी, आओ अंदर आओ हीटर से। मियामुरा बोलता है कि ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ, बट वो थोड़ी देर एक घंटे में बदल जाता है। फिर मियामुरा कहता है कि अब मुझे जाना ही होगा। सब लोग इस चीज को सुनकर सैड हो जाते हैं एंड होरी मियामुरा को बाहर छोड़ने जाती है और रास्ते में उससे बोलती है कि मियामुरा हम जल्दी ही हाई स्कूल ग्रेजुएट्स होने वाले हैं। मियामुरा बोलता है कि हाँ पर उसमें कुछ महीनों का समय बाकी है, जिसपे होरी रिप्लाई करती है मियामुरा मैं अभी भी तुम्हें अच्छे से नहीं जानती हूँ, कम से कम उतने अच्छे से तो नहीं जानती हूँ जितने अच्छे से मैं तुम्हें जानना चाहता, पर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम जब हाई स्कूल ग्रेजुएट्स हो जाएंगे उसके बाद भी मेरे पास कई ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम रहेगा तुम्हें और अच्छे से जानने का, तो मैं मियामुरा चाहती हूँ कि हाई स्कूल के बाद भी हम दोनों एक साथ रहें। ये सुनने के बाद मियामुरा एकदम शांत होता है, क्वाइट होता है। होरी बोलती है कि मियामुरा कुछ बोलोगे, जिसपे मियामुरा बोलता है कि होरी क्या तुम प्लीज मुझसे शादी करोगी। बट ये बोलने के बाद तुरंत ही मियामुरा रियलाइज करता है कि उसने बहुत ही क्रिंज चीज बोल दी है, जिसकी वजह से वो एम्बेरसमेंट के कारण वहां से भागने लगता है। बट होरी बोलती है कि हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर तुम मुझे अपनी वाइफ बनाते हो तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट हस्बैंड बनाऊंगी, इस प्लेनेट पे नहीं बल्कि अगले प्लेनेट्स पे भी। इसके बाद मियामुरा और होरी के बीच में एक काफी होलसम सा मूवमेंट बन जाता है, पर तभी मियामुरा को उसकी बेकरी से कॉल आता है और मियामुरा वहां से चला जाता है। होरी भी अपने घर वापस चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मियामुरा और होरी साथ में न्यू ईयर मना रहे होते हैं, वो दोनों अपना अपना फॉर्च्यून देख रहे होते हैं। मियामुरा के फॉर्च्यून में लिखा होता है कि उसे बस आगे बढ़ते रहना है, जिसपे होरी जवाब देती है कि बस इतना ही लिखा है, सही से देखो और भी कुछ लिखा होगा। बट मियामुरा जवाब देता है कि नहीं मेरे पास तुम्हारी स्माइल है देखने को, बस इससे ही मैं आगे बढ़ता रह सकता। होरी सुन लेती है इस चीज को बट तब भी बोलती है कि मैं नहीं सुन पाई क्या कहा तुमने, जिसपे मियामुरा जवाब देता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। फिर होरी बोलती है कि वेल फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे भी तुम्हारी स्माइल से आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। इसके बाद होरी और मियामुरा बैठे होते हैं, होरी मियामुरा से बोल रही होती है कि ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बात है कि इस साल के एंड में तुम वो आखिरी इंसान होगे जिसे मैं देखूंगी और अगले साल के शुरुआत में भी तुम ही वो ऐसे इंसान होगे जिसे मैं सबसे पहले देखूंगी। इस पे हमारा मियामुरा जवाब देता है कि अब से हर नया साल ऐसे ही गुजरेगा। एंड इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।